श्रीनगर के लावेपोरा में सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 सीआरपीएफ जवान गंभीर रूप से घायल हैं। टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। शहीद जवान मंगा देव वर्मा साउथ त्रिपुरा और शहीद कांस्टेबल अशोक कुमार हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के काहनफट गांव देहरू के रहने वाले थे और कुछ दिन पहले ही इनका ट्रांसफर पिंजौर से असम के लिए हुआ था। लेकिन शहीद अशोक कुमार ने श्रीनगर को चुना और वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन सीआरपीएफ की नाक पार्टी पर आतंकी हमला हुआ जिसमें अशोक कुमार शहीद हो गए। अशोक कुमार 2004 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। शहीद अशोक कुमार अपने पीछे पत्नी और 2 छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं। अशोक कुमार की शहादत की खबर सुनकर देहरू गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। शहीद अशोक कुमार के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। अशोक कुमार की पत्नी बच्चों के साथ पिंजौर से अपने ससुराल पहुंची। उनके साथ सीआरपीएफ के जवान भी आए हैं। शहीद अशोक कुमार का पार्थिव शरीर पिंजौर लाया जाएगा, उसके बाद उनके पैतृक गाँव देहरू में लाया जाएगा और अंतिम संस्कार किया जाएगा। सरबन जी, आपके बेटे शहीद हुए हैं, क्या नाम है इनका, कितनी उम्र थी? अशोक कुमार, उम्र 82। तो कहाँ पोस्टर थी ये? तो क्या खबर मिली आपको? मेरे को खबर मिली 8:30 पंजोर से फोन है, मेरा कलर का शहीद हो गया है। तो कब बात हुई थी आपकी उनसे लास्ट टाइम? अशोक से 2-3 दिन पहले हुई बात, कल करने की बात है। सवेरे बोल दे, सवेरे नहीं करना फोन मेरे को, शाम को करना, तो शाम को फोन आ गया। तो क्या बात हुई थी आपकी जब लास्ट टाइम बात हुई? बस शाम पता है, और कुछ नहीं। और कितने बेटे हैं आपके? 2 और हैं। और कौन कौन है परिवार में? परिवार में एक मदर है, एक भरजाई है, एक छोटे भरावी है, बच्चे हैं। अशोक के परिवार में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, लड़कों लड़की। तो जो आतंकी हमला हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बार बार होता रहता है शहीद। बार बार इनका को ऐसे खात्मा होना चाहिए, जैसे भी हो। अब मैं तो बोलता हूँ मेरे को ले चलो उधर, मैं उनसे मुकाब मैं देखूंगा उनको, बदला चाहिए मेरे को, बदला चाहिए, मौत की मौत चाहिए। उनका स्वभाव कैसा था? स्वभाव बहुत अच्छा है उसका, और उनके आदमी सब वो हंसा मजाक जो काम वो किसी से नहीं तो वो करता है। मेरे को उस पर गर्व है, मेरा शेर बेटा है।